पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का कहर जारी है। बता दें कि नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। वहीं लगातार घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है और पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं के कारण पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि फॉग कम है लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती ठंड से जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, वहीं अम्बाला में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिन का तापमान इस दौरान 14 डिग्री से भी कम बना हुआ है। वहीं बात अगर रात के तापमान की करें तो वो भी 6 डिग्री से नीचे चला गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से लोगों के कारोबार पर भी खासा असर पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सूरज ना निकलने के चलते जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं ठंड के कारण उन्हें कई परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को भी रस्ते में रुक कर अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के कारण दुकानदारों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि दुकानों पर काम नहीं है। ऐसे में लगातार बढ़ती ठंड के चलते ग्राहक बाजार में नहीं पहुँच रहे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, 3 दिन हो गए सूरज भी नहीं निकल रहा है। बहुत काफी ठंड है, शीत लहर चल रही है जी, पूरी शीत लहर चल रही है। ठंड को दूर करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं जी, पूरी ठंड है जी। 3 दिन से शीत लहर चल रही है, धूप का नाम नहीं है जी। आग के सहारे बैठ के अपना टाइम गुजार रहे हैं जी। ठंड से बचने के लिए जी पूरी सुविधा जी आग से इंतजाम कर रहे अपना। तो कारोबार पर कितना असर देखते हैं? कारोबार पर बहुत असर है जी, कोई ग्राहक नहीं है जी। बड़ी मुश्किल से रोज गुजरा कर रहे जी हम अपना। काफ़ी दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है जी। रास्ते में रुक के आग का सहारा लेना पड़ रहा है जी। कितनी ठंड है? काफ़ी ठंड है जी। मोटरसाइकिल पर ज़्यादा ठंड लगा जी, इस घर का रुक का सेकने पड़ गया। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ज़्यादा। गौर हो कि जहां पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं पिछले कुछ दिनों से सूरज न निकलने के चलते भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते लोगों को भी ठंड से जूझना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन और लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।